राधे राधे मित्रों, मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि राधा कहती है क्या हो सकता है जो महादेव को वृंदावन ले आए, यशोदा मैया की इच्छा भी पूर्ण हो जाए और मैं कृष्ण के साथ समय भी व्यतीत कर पाऊँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो सोची थी वो भी निरस्त लग रहा है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि महाराज कंस अपनी प्रतिज्ञा को याद करके कहता है मैं अपना प्रतिज्ञा पूर्ण करके रहूँगा। तो महारानी प्राप्ति कहती है कैसे महाराज, बकासुर तो मारा गया, आपको अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए उससे भी अधिक शक्तिशाली असुर की आवश्यकता होगी। इस समय आप असफल मत होइएगा महाराज, क्योंकि ये आपकी प्रतिज्ञा का ही नहीं बल्कि प्रतिष्ठा का भी प्रश्न है। तभी वहाँ अक्रूर आता है और कहता है आपने इतनी विशाल प्रतिज्ञा ली है, कल तो मैं आपका सेनापति होने के नाते मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण हूँ। महाराज मैंने निर्णय लिया है कि मैं पूरे साम्राज्य में घूमकर हमारे सभी साथी राजाओं को और असुरों को कृष्ण का वध करने के लिए सज करूं। तो कंस कहता है मैं भी इसी विषय में सोच रहा था, तुम इसी क्षण जाओ। तभी वहां महारानी अस्थि आती है। तो महाराज कंस कहता है तुम फिर मेरे कार्य में टोकने आ गई। तो अस्थि कहती है मैं यहाँ प्रतिज्ञा का समर्थन करने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं सारी मंदिरों में जाकर मनोकामना मांगू कि आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो। तो प्राप्ति कहती है आप तो जानती ही हैं मेरी बहन अत्यंत भावुक है, वो यहाँ रहेगी तो आपको ही वाकुल करेगी, तो जाने दीजिए उसे मंदिर, आपको और उससे शांति मिलेगी। महाराज फिर आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण कहता है यदि सब कुछ मेरा योजना अनुसार चला तो आज सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा होगी, एक ऐसी घोषणा जिसे सुनकर ही सभी के मन में आनंद भर जाएगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि विशाखा सखियों से कहती है क्या लगता है कृष्ण आज क्या घोषणा करने वाला है। तो ललिता कहती है मैं तो अत्यंत उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि रात्रि में यही सोच मुझे निद्रा नहीं आई, हम कृष्ण के मुख से ही सुन लेते हैं ना। फिर सभी कृष्ण को चिल्लाने लगते हैं तो कृष्ण आता है। तो ललिता कहती है बताओ ना तुमने क्या आयोजित किया है। तो विशाखा कहती है क्या तुम हमारे साथ भ्रमण में चलोगे या फिर नई वस्तुएं लाकर दोगे या फिर अपने हाथ से भोजन खिलाओगे। तभी वहां बलराम आता है और सखियों से कहता है किस आयोजन के विषय में बात हो रही है। तो ललिता कहती है उसी विषय में हम यहां जानने आए हैं दाव, किंतु देखो ना कृष्ण हमें कुछ बताया नहीं रहा है। तो कृष्ण कहता है मैं जो घोषणा करने वाला हूँ उसमें अभी थोड़ा समय बाकी है, तुम सब थोड़ी समय से पूर्व आ गए हो, अभी तुम सब जाओ, जब मैं घोषणा करूँगी सबसे पहले मैं तुम सबको बता दूँगा। तो सभी सखियाँ वहाँ से जाने लगती है। तो वहाँ राधा आती है और सभी सखियों को रोक लेती है और कहती है मुझे भी जानना है कृष्ण किस घोषणा की बात कर रहा है। तो बलराम कहता है बताओ काना, जिज्ञासा दूर करो सबकी, अपने राधा और सभी सखियों की। तो कृष्ण कहता है सभी सखियां सदैव मुझे स्मरण करती हैं ना, तो जब मन करे तब आ जाती हैं मिलने, और मैं ये निर्धारित कर रहा था कि वो कब मुझसे आकर मिल सकती हैं और किस समय पर मिल सकती हैं, बस उसी की घोषणा थी वो, इस लिए कि मैं तुम्हारे साथ समय व्यतीत करना सकूं। तो राधा कहती है मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ कि तुमने ऐसा सोचा, किंतु
तुम्हारे घोषणा करने से पूर्व मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, तो कृष्ण कहता है, बताओ। तभी राधा चुटकी बजाती है और समय को रोक देती है। तो कृष्ण कहता है, ये घोषणा करने के लिए तुमने समय रोक दिया और मुझे यहाँ ले आए, अवश्य ही कुछ विशेष घोषणा अप्रतीत होती है। तो राधा कहती है, विशेष तो है, मैं जानती हूँ कि अष्ट संख्या तुम्हारा कितना स्मरण करती हैं और उन्हें वृंदावन में कोई मनोरंजन तो चाहिए ना। महादेव वृंदावन तभी आएंगे जब यहाँ पर कोई विशेष उत्सव होगी। यशोदा मैया के मन में भी है कि वृंदावन में कुछ तो विशेष हो और मैं तुम्हारे साथ केवल समय व्यतीत करना चाहता हूँ, इसलिए सभी की इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं एक समाधान निकाला है। तो कृष्ण कहता है, वो समाधान क्या है? तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मित्रों, आप लोग आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, जल्द मिलता हूँ और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।